नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। व्हेन यू मीट टू योर फ्रेंड्स और व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देर आर मेनी वेज टू इंट्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी हम बोलते हैं माई सेल्फ, कभी बोलते हैं दिस इज, कभी बोलते हैं आई एम, और कभी बोलते हैं माई नेम इज़। तो अपने नाम बताने के बेसिकली कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको सही जगह पर सही तरीके का इस्तेमाल करना है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर यू कैन यूज़ दिस इज, वेयर यू कैन यूज़ माई सेल्फ, वेयर यू कैन यूज़ आई एम, एंड वेयर यू कैन यूज़ माई नेम इज। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए इंग्लिश सीखने के लिए। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और पूरा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसे मान लो आप कहीं पर जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आपको कौन सा वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो चार वर्ड हैं ये अलग अलग स्थानों के लिए हैं, अलग अलग गैदरिंग के लिए। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। पहले मैं चारों को समझाऊंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा वर्ड कौन सा आपके नाम के साथ अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहली बार हम कई बार बोलते हैं हाय दिस इज़ अक्षय कुमार। सो ये दिस इज़ का इस्तेमाल कब करना चाहिए, अपने नाम को बताने के लिए। दोस्तों इसकी कंडीशन है, दिस इज़ का इस्तेमाल आपको तभी करना चाहिए जब आप ऐसी जगह पर खड़े हो और वहाँ से जो आपको सुनने वाले हैं, जिनको आप अपना नाम बता रहे हो, उनकी संख्या या तो बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत दूर तक हैं, समझ पा रहे हो, या फिर आप उनको देख ही नहीं पा रहे हो या वो आपको देख नहीं पा रहे जो आपको सुन रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा स्टेज शो है ना, और स्टेज शो मान लो अक्षय कुमार आया हुआ है, ठीक है, और अक्षय कुमार को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए। कुछ लोग तो अक्षय कुमार को देख पा रहे हैं स्टेज पर, लेकिन कुछ लोग इतने दूर है कि उनको वो पर्दे पर दिख रहा है, उनके लिए छोटी छोटी स्क्रीन लगाई गई है। तो वो वहाँ पर ऐसा नहीं बोलेगा हाय माई नेम इज़ या माई सेल्फ, क्योंकि कई लोग देख ही नहीं पा रहे, इसलिए वो क्या बोलेगा, हाय दिस इज़ अक्षय कुमार। तो दिस इज़ का इस्तेमाल आपको वहाँ पर करना है इंग्लिश में जहाँ पर या तो आप दिख नहीं पा, जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, वो विजिबल नहीं है, उसको वो देख नहीं पा रहा है लोगों को और लोग उसे देख नहीं पा रहे। इसलिए आपने देखा होगा कहीं पर कि जो आपने देखा होगा रेडियो, ठीक है, एफएम की बात कर रहा हूँ मैं, रेडियो पर जब किसी यू नो मूवी का गाना आता है तो उसके पहले कोई हीरो लाइन बोलता है हाय दिस इज़ अक्षय कुमार, हाय दिस इज़ सलमान खान, एंड यू आर लिसनिंग माई सॉन्ग। तो दिस इज़ का इस्तेमाल आपको वहाँ पर करना है जहाँ पर आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है, आपको आपके सामने, आपको दोस्त के सामने नहीं बोलना है कि कोई फ्रेंड कराए आप बोल रहे हाय दिस इज़ राज, गलत है। अब आमने सामने वहाँ पर दिस का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो स्पीकर और लिसनर के बीच में। इज़ दैट क्लियर? तो यू कैन से ऑन दैट टाइम हाय दिस इज़ राज। तो वो कब सही है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो स्पीकर की लिसनर की। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट, माई सेल्फ। कई बार लोग होते हैं जो ऑफिशियल जगह पर माई सेल्फ बोलते हैं, अंडरस्टैंड। मान लो आपका कोई सीनियर है और आप जूनियर हैं, आप पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते हाय माई सेल्फ राज, गलत तरीका है दोस्तों। आप माई सेल्फ एक ईगोस्टिक वर्ड है, एक प्राउडी वर्ड है, अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा ये सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, हम जब पार्टीज़ में जाते हैं ना, जहाँ पर हमारे यू नो इक्वलिटी के लोग रहते हैं, दोस्त लोग रहते हैं, पार्टी करने गए, वहाँ पर आपको जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे हाय माई सेल्फ राहुल एंड यू, तो इस तरीके से जब आप एक टशन में है ना, टशन बोलते हैं, एक टशन में जब आप अपना नाम बताना चाहते हैं वहीं पर आपको माई सेल्फ इस्तेमाल करना है। आपको ऑफिशियल जगह पर, स्कूल में, कंपनी में, प्रोफेशनल जगह पर आपको माई सेल्फ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कहाँ करना है, किसी पार्टी में, दोस्तों के साथ, आपके बराबर वाले लोगों के साथ, जहाँ पर मजाक जायज़ है वहाँ पर आपको करना है। तो आप क्या बोलेंगे, हाय माई सेल्फ दिनेश, माई सेल्फ राज, माई सेल्फ रमेश, इस तरीके से। तो आपका नाम ऐसे बताना है, ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, आपको तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, एक तो हमने पढ़ा माई सेल्फ, एक पढ़ा हमने दिस इज़, अब तीसरा होता है आई एम, ठीक है। अब जब आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, जैसे हम बोलते हैं ना हाय आई एम राज, तो ये कब बोलना है, तो आपको अपना नाम बताने के लिए आई एम का इस्तेमाल नई जगह पर करना है। आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर मान लो चार लोग खड़े हैं, ठीक है, और आप एक कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में खड़े हैं, ठीक है, हो सकता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर आपका दोस्तों का एक ग्रुप हो, तो वहाँ पर अगर आप चार दोस्त एक दूसरे को पहचानते हैं और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एक फॉर्मल वे में, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक फॉर्मल वे में आप बताएंगे हाय आई एम दिनेश, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एंड आई एम फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से फॉर्मल जगह पर आप चार लोगों में अपना सामान्य तौर से नाम बताना चाहते हो तो वहाँ पर आपको लगाना है आई एम, ठीक है, आई एम राज, आई एम दिनेश, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। नाउ द लास्ट पॉइंट, हाउ टू वेयर टू यूज़
माई नेम इस, द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ माई नेम इस। दोस्तों जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जब आपको लगता है कि आपसे जो सामने वाले का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो आपसे प्रोफेशनली या फिर एजुकेशन या फिर किसी भी सेंस में बड़ा है, तो वहाँ पर आप माय नेम इस लगाएंगे। तो एक सिंपल और एक फॉर्मल प्रोफेशनल वे होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, हाय माय नेम इस राहुल कुमार, हाय माय नेम इस रीना, माय नेम इस राज, माय नेम इस गायत्री। तो आपको जब आप एक तो पहला मैंने बताया इंटरव्यू देने के लिए, और दूसरा फॉर्मल वे में प्रोफेशनल वे में जहाँ पर रिस्पेक्टिव माहौल हो वहाँ पर आपको लगाना है माय नेम इस। तो मैंने आपको दोस्तों चारों बताएं कि आप जब अपना नाम बताएंगे तो कैसे बताएंगे। मैंने पहले बताया दिस इस, फिर बताया मैंने माई सेल्फ, फिर मैंने आपको बताया कौन सा कि आपको आई एम, और चौथा मैंने बताया आपको माय नेम इस। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। दिस इज़ आपको वहाँ बताना है जहाँ पर स्पीकर लिसनर दोनों के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या फिर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, वहाँ पर आपको बोलना है हाय दिस इज़ अक्षय कुमार। फिर अब मैंने बताया आपको माई सेल्फ, जब आप अपने बराबर के लोगों में जा रहे हो, पार्टी हो रही हो, मजे मस्ती की बात हो, वहाँ पर आपको टशन में बोलना है हाय मैंने हाय माई सेल्फ अक्षय कुमार, इस तरीके से। और तीसरा तरीका मैंने आपको दोस्तों जो बताया वो है आई एम, जब आप फॉर्मल वे में अपने लोगों के साथ जब आप अपने आप को बताते हो कि चार पांच लोग खड़े हैं वहाँ पर आप जाके अपना नाम बताना चाहते हो, तो वहाँ पर आप बोल सकते हाय आई एम अक्षय कुमार। और द लास्ट वे मैंने आपको बताया कि इसे इंटरव्यू में किसी प्रोफेशनल जगह पर आपको बताना है डिसेंट वे में हाय माई नेम इज़ दिस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही इंग्लिश सिखाने वाले और कंसेप्ट क्लियर करने वाले वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।